हेलो विनर्स, आज का टॉपिक है कि ऐसा क्या सीक्रेट हैक है जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत ही फास्ट कर सकता है, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में आप अपनी ड्रीम, अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हो। तो इस वीडियो में वही बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबसे कि जब आप अपने घर में अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो आपको आशीर्वाद के रूप में वहाँ से क्या मिलता है? विनर्स, आज का टॉपिक है एक ऐसा सीक्रेट मैनिफेस्टेशन का हैक जो आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दे। ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन कुछ ही घंटों, कुछ ही दिनों में हो जाए, महीने साल तो छोड़िए। तो ऐसा हम क्या करें? और सबसे जो मज़ेदार बात है इस सीक्रेट हैक की ये कि इसमें कोई टेक्निक नहीं है, बिना किसी टेक्निक के आप इसे पा सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाने नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर मुझे। हेलो विनर्स, आज का टॉपिक है कि एक ऐसा सीक्रेट हैक जो हमारे मैनिफेस्टेशन को बहुत ही फास्ट कर देगा, इतना फास्ट कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो ड्रीम है, आपका जो विश है, अगर वो सालों में पूरा होना है तो वो कुछ महीनों महीनों में पूरा होना है तो कुछ दिनों में, और कुछ दिनों में होने वाला तो कुछ घंटों में ही हो जाए। तो ऐसा क्या सीक्रेट है वही इस वीडियो में बताया जाएगा। और सबसे मज़ेदार बात इस सीक्रेट की ये है कि इसमें कोई टेक्निक नहीं है, इसमें कुछ एफर्ट्स नहीं डालने, बहुत ही इजी चीज़ है जिसे आप फॉलो करते हैं तो आप भी वो स्टेट को पा सकते हैं जिसमें सब चीज़ें, सब विच आपके अकॉर्डिंग होगी, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी जिसका आंसर आप सभी दीजिएगा कमेंट में कि जब आप किसी के पैर पड़ते हैं, पैरों को छूते हैं तो आपको आशीर्वाद के रूप में क्या मिलता है? मीन्स वर्ड्स, वो कौन से ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं कॉमन? ठीक है, कुछ पर्टिकुलर ब्लेसिंग्स रहती हैं लेडीज़ लोगों की तो कुछ स्पेशली पर्टिकुलर होती हैं, बट कॉमनली जो सबको, जेंट्स को, लेडीज़ को, बच्चों को, सबको मिल जाती हैं, स्पेशली बच्चों को ज़्यादा मिलती हैं और जेंट्स को बहुत मिलती हैं ये सेम, ये ब्लेसिंग्स हमारे बड़ों से जब हम उनके पैर छूते हैं। तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो मैं भी आपको बताती हूँ। वो है सदा खुश रहिए। वो आशीर्वाद के रूप में हमें सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप सदा खुश रहिए। कभी आपने सोचा है कि ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया जाता है कि आप सदा खुश रहिए? ठीक है, तो उसके पीछे का या दूसरा एक और क्वेश्चन है कि कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के देख लीजिए, उसमें यही कहा गया है कि आपको खुश रहना है। तो खुश रहने पे इतना फोकस क्यों किया जाता है? लेकिन आज का इंसान जो है वो खुश रहना भूल गया है। उसने अपनी खुशी जो है वो डिपेंड कर दी है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मटेरियलिस्टिक गोल्स के ऊपर डिपेंडेड है उनकी खुशी। लेकिन वो कितने दिन की होती है? 1 या 2 दिन की, वो सब आप भी जानते हैं। कोई पर्टिकुलर घर में नई चीज़ आती है तो 2-3 दिन बहुत खुशी का माहौल रहता है, उसके बाद फिर उस चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या किया जाए? आप लोग कहेंगे कि हमें ये चीज़ मिल जाए, मीन्स XYZ, मुझे कार चाहिए, मेरी कार मिल जाए, मैं बहुत खुश होने वाला हूँ। मेरे को कोई नेकलेस मिल जाए, कोई भी लेडीज़ अगर विश करें, मुझे कोई नेकलेस मिल जाए, कोई ज्वेलरी मिल जाए, मैं बहुत खुश होने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? अपनी खुशी को डिपेंड कर रहे हैं किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के ऊपर। आपने अपनी खुशी को किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के ऊपर डिपेंड कर दिया। उधर यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं कि जब आप खुश हो जाएंगे तो मैं आपको जो आपकी इच्छा है वो पूरी कर दूंगी। मीन्स यूनिवर्स आपको डिपेंड कर रहे हैं आपकी खुशी पे। जब आप खुश होंगे तो आपको वो सब चीज़ मिल जाएगी जो आप, जिसकी आप विश करते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप अपनी ड्रीम लाइफ जी पाएंगे। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लू मिला होगा। जो सीक्रेट हैक है मैनिफेस्टेशन को फास्ट करने का, वो 24/7 खुश रहना है। अब आप कहेंगे कि ये तो कैसे पॉसिबल है, आपने बोला बहुत इजी है। देखिए, खुश रहने के लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना है, कुछ टेक्निक नहीं फॉलो करनी है, कुछ रिचुअल्स नहीं करने हैं, या कुछ क्या उसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें, या कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है कि मैं कहीं से कुछ खरीद के बाहर से लाना है, या आप नहीं कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम
लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं या चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे खिलाफ होती हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम सिर्फ अपने विचारों को बदलें। जब हम अपने विचारों को बदलेंगे, सामने वाला इंसान सही है गलत है उससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। सामने वाली जो चीज़ हमें दुख दे रही है वो कभी दुख दे ही नहीं सकती अगर हमने अपने विचारों पे कंट्रोल कर लिया। हमें एहसास कौन कराता है? हमारा दिमाग ही तो एहसास कराता है, मन ही तो है जो हमें एहसास कराता है, इमोशंस ही तो हैं जो हमें एहसास कराते हैं कि जो चीज़ हमारे हमें पसंद नहीं है वो हो रही है। तो जब हम ध्यान देना ही बंद कर देंगे, मीन्स कि इग्नोर करना, चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाएंगे, लोगों को इग्नोर करना सीख जाएंगे, इमोशंस को इग्नोर करना सीख जाएंगे, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। जब हम हमारा कंट्रोल में हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं। सबसे पहले देखिए, आपके इमोशन अगर आपके कंट्रोल में है तो आपके थॉट्स भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। ये थॉट्स ही हैं जो आपके इमोशन को ट्रिगर करते हैं। तो सबसे पहले अपने सिर्फ और सिर्फ थॉट्स को कंट्रोल में लाना सीखिए। थॉट्स को केवल एक ही मंत्र है जो आपके कंट्रोल में कर सकता है, वो है ओम इग्नोराय नमः। जो जो भी है सब चीज़ों को इग्नोर करते जाइए। तो जब आप इग्नोर करना सीख जाते हैं चीज़ों को, परिस्थितियों को, लोगों को, तो देखिएगा कि आपके ऊपर उनका इम्पैक्ट नहीं आता। जब आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता है तो आप अंदर से खुश महसूस करते हैं, जेलिस होना छोड़ देते हैं, बहुत से अवगुण छोड़ देते हैं जो कि ब्रह्मांड हमसे चाहता है कि हम छोड़ दें, तो हमारा मैनिफेस्टेशन सुपर फास्ट हो जाएगा। तो आज का वीडियो को बहुत लंबा नहीं करती हूँ, छोटा सा सीक्रेट था यही कि आपको 24x7 हैप्पी रहना है। और हैप्पी कैसे कैसे रहना है इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। और इसमें छोटा सा सीक्रेट सा टिप देती हूँ कि अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए, आप कैसे खुश रहते थे। हो सके तो अपनी बचपन की यादों को वापस लेके आइए और उसमें जो आपके फेवरेट गेम्स थे वो खेलिए। मीन्स आप 24 घंटे में एक बार छोटा सा बच्चा बन जाया कीजिए, जो पसंद है वो कीजिए, ये परवाह किए बगैर कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो आप जब अपने मन की चीज़ करेंगे और ओम इग्नोराया नमः इस मंत्र को अपने जपना स्टार्ट कर दिया, मतलब कुछ भी होने दीजिए, इग्नोर मारिए, इग्नोर कीजिए ली, तो आपके ऊपर वो चीज़ें इम्पैक्ट करना बंद हो जाएंगी। और जब आप खुश रहते हैं, जब आप अंदर से खुश रहते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। उस वक्त जो आप इच्छा रखते हैं अपने लिए, जो अच्छी इच्छाएं आप उस वक्त रखेंगे, या दूसरों के लिए जो अच्छे वर्ड्स विचार से इच्छाएं रखेंगे, वो जरूर जरूर पूरी होती हैं। तो आज का मैनिफेस्टेशन को फास्ट करने का जो सीक्रेट है वो है कि खुश रहने की आदत डालिए। जब आप खुश रहेंगे दुनिया की हर चीज़ आपके पास होगी जो आप सोचते हैं कि मिलने के बाद मुझे खुशी देगी। जैसी खुशी आपको बाद में होने वाली है वो उसे पहले फील करना स्टार्ट कीजिए। ये थॉट डेवलप कीजिए कि मेरे पास वो सब है जो मैं चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ। एक काल्पनिक दुनिया में वो सब जिए जो आपको रियल लाइफ में चाहिए। और जो रियल लाइफ की खुशी है वो काल्पनिक जीवन की खुशी, जीवन में खुशी लेके आइए। ये थोड़ा सा दिन की प्रैक्टिस रहती है, फिर आपको हैबिट हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप एक काल्पनिक जीवन जी रहे हैं कि रियल लाइफ जी रहे हैं। मीन्स जो आपने कल्पना में सोचा वो आपके रियल लाइफ में होने लगता है, सच्ची में मैजिक होता है। करके देखिए, स्टार्टिंग छोटी छोटी चीज़ों को, खाने की चीज़ें होंगी, कपड़ा हो गया, या किसी से कोई बात पूछना हो गया, करके देखिए। बहुत मज़ा आता है जब आप मन में सोचते हैं और सामने वाला आदमी से, ये पर्सन से सेम वही आंसर निकलता है जो आपने सोचा हो कि मुझे पूछना है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो मैं सोचती हूँ वो मुझे आंसर सामने से उसी वक्त मिल जाता है और सेम पर्सन से मिल जाता है जिससे मुझे चाहिए होता है। या कभी कभी मैं कुछ खाने का मन हो रहा होता है तो शाम तक वो चीज़ मेरे घर पे पहुँच जाती है खाने के लिए, या कुछ कपड़े हो गया, कहीं घूमने जाना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इतनी होती हैं तो बहुत मैजिक लगता है, फिर बहुत अच्छा भी लगता है। आप भी करके देखिए, लेकिन ट्रिक यही है कि खुश रहना है आपको, खुश रहने की आदत डालिए। धन्यवाद मेरा वीडियो यहाँ तक देने के लिए, और दिल से धन्यवाद उनका जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं।
आप लोग हमेशा खुश रहिए और आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन एक मैजिक की तरह होता रहे। धन्यवाद।